तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस के द्वारा बनाई जा रही पांचवी पीढ़ी की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में। बहुत ही खतरनाक सबमरीन है, लाइका क्लास की हस्की सबमरीन है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे और हाँ, इसे भारत को मिलने के बहुत चांसेस हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले इसके बारे में जनरली जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो आपको दूंगा मैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इस पॉइंट पर भी, क्योंकि भारत बहुत सारी सबमरीन है जो एक तरीके से रूस से लीज पर ले रहा है या कुछ खरीद भी रहा है और ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहा है। तो उन सब के बारे में, उन सब के पर्सपेक्टिव को देखते हुए इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या फ्यूचर है इसका। लेकिन उससे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात थी, क्या मैं चैनल का नाम बदल दूँ हिंदी फैक्ट शो, क्योंकि अब मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस की वीडियो डालने वाला हूँ। तो क्या हमें चैनल का नाम चेंज कर देना चाहिए या फिर हिंदी फैक्ट शो बिल्कुल सही नाम है, कोई ज़रूरत नहीं है? तो कमेंट करके बस इतना सा बता देना। तो चलो उसको वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इस सबमरीन के बारे में। तो ये एक सबमरीन है लाइका क्लास की, और जो किस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है, 545 लाइका प्रोजेक्ट। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट का मेन काम है कि जितनी भी पुरानी जो सोवियत यूनियन की टाइम की जो सबमरीन है उन्हें रिप्लेस करना, और उसी के तहत ये प्रोजेक्ट चला जा रहा है इस समय रशिया में, 545 लाइका प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जो सबमरीन बनेगी उन्हें हस्की क्लास भी कहा जाता है। एक रशियन, आप जानते होंगे हस्की एक कुत्ता भी होता है, तो ऐसे। और इसका ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने वाली है, पांचवी पीढ़ी की सबमरीन होने वाली है। क्या क्या इसके फीचर होंगे तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसे जो बना रही है, ये बना रही है मालाकित मरीन इंजीनियरिंग ब्यूरो ऑफ रशियन नेवी, और ये एक मल्टीपर्पज सबमरीन होगी जो फिलहाल डेवलपमेंट में है। इसके डिजाइन वगैरह का काम पूरा हो चुका है, इस पर काम शुरू हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बिल्डर कौन है, मतलब ये कौन से पोर्ट पर है। तो इसका नाम है सेवा मास पोर्ट, और जो टाइप है ये SSGN टाइप की। डिस्प्लेसमेंट सबमर्ज होने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है करीबन 11,340 टन का। और अब बात कर लेते हैं इसका पावर कहाँ से मिलती है, तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। स्पीड बहुत क्रूशल होती है सबमरीन की, इसकी स्पीड काफ़ी इंप्रेसिव है, करीबन 65 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और रेंज की बात करें तो रेंज फिलहाल इसकी अनलिमिटेड है, और एंड्यूरेंस यानी कि कितनी देर बाद इसे ऊपर आना पड़ता है तो इसका ऐसा कुछ टाइम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब ही होता है कि वो अनलिमिटेड टाइम तक पानी में रह सके। लेकिन जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, क्रू उनके लिए खाना या फिर ऑक्सीजन के लिए इसे ऊपर आना पड़ता है, तो कितने दिन का खाना या ऑक्सीजन लेकर पानी के अंदर जा सकते हैं, करीबन 90 दिन का खाना एक साथ ये सप्लाई अपने साथ इस अंदर लेकर जा सकती है। बात करें रेंज की, तो रेंज इसके अनलिमिटेड है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर है, 20-30 साल बाद फ्यूल इसमें भरा जाता है, लंबे समय तक भी भरा जा सकता है, 40-50 साल का भी, वो देश के ऊपर बात है वो कितना भरना चाहते हैं एक बार में। बात कर लेते हैं इसके डेप्थ कितनी होगी, करीबन इसकी डेप्थ कितने, कहा जाता है कि 600 मीटर की डेप्थ होगी, यानी 2000 फीट की, जो काफ़ी ज़्यादा है। जो न्यूक्लियर जो कन्वेंशनल होती हैं वो 300-400 तक जाती हैं, 600 मीटर तक जाएंगी, जो नॉर्मल होती हैं वो जाती है 300-400, 450 मैक्सिमम, ये 600 मीटर तक जाएगी, काफ़ी अच्छा होगा इसका। आर्मामेंट, इसके क्या क्या इसमें आर्मामेंट हो गए, तो इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो लगी होगी ना, जो मुझे सबसे फेवरेट लगी, वो थी इसमें जिरकोन एंटी शिप क्रूज मिसाइल इसमें लगा सकते हैं। जिरकोन के आपको बता दो मॉडल आते हैं, एक तो आता है हाइपरसोनिक मॉडल और ये होती है क्रूज एंटी शिप मॉडल, यानी कि इसमें ये सबसे खतरनाक मिसाइल इसमें लगने वाले हैं। इसके अलावा इसमें सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी इसमें लगेंगी, इसके अलावा इसमें इगला एम सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसमें लगने वाली है। इसके अलावा इसमें PMR-2 एंटी सबमरीन माइंस का लगाने का भी, इसमें वारफेयर के सभी सिस्टम इसमें मौजूद होंगे। इसमें इसके अलावा 54 कैलिबर P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी इसमें लगी होंगी, यानी कि क्रूज मिसाइलों का एकदम से आप ये कह सकते हैं कि गोदाम जैसा इसके अंदर होगा, यानी कि धज्जे उड़ा देगा अगर किसी के साथ ये भिड़ने को तैयार हुई तो एक पांचवी पीढ़ी की तो होगी। साथ इसका पता लगा पाना आप समुद्र के अंदर बहुत ही मुश्किल काम होगा। एक तो न्यूक्लियर पावर्ड होगी, साइलेंट होगी, क्योंकि जानते हैं कि डीजल इंजन होता है, काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है जो कन्वेंशनल या फिर अटैक सबमरीन्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड होगी तो यानी कि टेंशन ही है कुछ, मतलब कि ऐसे जो इंजन का साउंड वाइब्रेशन करेगा, तो इसे पता लगा पाना किसी भी सोनार के लिए या किसी भी शिप्स के लिए या फिर किसी भी आप कह सकते हैं वॉक्स के लिए नामुमकिन सा होगा। और इसकी साइज भी काफ़ी बड़े होने वाली है, हालांकि अभी तक इसकी जितनी भी जो डायमेंशंस है वो रिवील नहीं किए रशिया ने। पहली बात तो ऐसे की जो डायमेंशन है काफ़ी लेट ही आएंगे, क्योंकि अभी भी एक तो ये बन रही है, दूसरी बात कोई भी देश इतनी पावरफुल सबमरीन का, इतनी ज़बरदस्त सबमरीन की कोई भी इसके जो आप कह सकते हैं कि डायमेंशंस वगैरह नहीं रिवील करता, क्योंकि एक सिक्योरिटी का मसला होता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत को इसके क्या चांसेस है, तो भारत को काफ़ी हाई चांसेस है, क्योंकि भारत पहले से ही
बहुत सारी सबमरीन को इस्तेमाल करता आ रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन हो, चाहे वो आप बात करें कन्वेंशनल या फिर नॉर्मल डीजल सबमरीन हो, तो उन्हें पहले ही लीज पर लेता या खरीदता आ रहा है जब से हम आज़ाद हुए जब से ही। लेकिन अब भारत खुद की भी बना रहा है सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड, जैसे कि आप जानते होंगे। और लेकिन ये सबमरीन कुछ हटके है, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ये, और दूसरी बात पांचवी पीढ़ी की है, भारत को इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। और हाँ, आपको इसका खर्च भी बता दूं, इसे अभी बनाने में जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर करीबन $2.5 अरब का खर्चा होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रशिया के पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके तहत, जैसे उसके पास पहले से ही बहुत सारे शिप बिल्डर्स हैं, उसके पास ऐसे डॉक्स हैं जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है, तो उसे शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि भारत ने सब कुछ शुरुआत से शुरू किया है सबमरीन बनाने को लेकर, तो रूस को ऐसा मसला नहीं, इसलिए इसका काफ़ी कम खर्चा आपको लग रहा होगा। दूसरी बात, रूस के पास काफ़ी एबिलिटी है, या उसकी खासियत कह सकते हैं, काफ़ी कम दाम में वो काफ़ी अच्छे हथियार बना लेता है, तो उसके तहत ही उसने इस सबमरीन को बनाना भी शुरू किया है। तो भारत को ही मिलने के चांसेस हैं, भले के लोग कहें कि जी अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध हो तो फिर भी क्या देगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारे हम भले ही हथियार अमेरिका से खरीद रहे हो, लेकिन रूस हमें ऑलरेडी करीबन 3 सबमरीन और हैं, जिसमें शायद एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है जो हमें लीज पर देने का उसका जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी चालू है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी हाई चांसेस है कि जब यह बनेगी उसके कुछ सालों बाद, ऐसा नहीं कि एकदम भारत को मिल जाएगी, कुछ सालों बाद भारत को तो लीज पर दे देगा रशिया, या फिर शायद हमें कुछ हमें खरीद भी लें, हालांकि इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा होंगे खरीदने में। भारत जो सबमरीन का जो भी इशू होते हैं, जैसे कि हम सबमरीन का हम खरीदते नहीं है मेनली, भारत हम लीज पर ही लेते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद वो सबमरीन में जब ओवरहॉल होता है ना उसका, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, यानी कि उसका जब अपग्रेडेशन होता है या जैसे एक तरह की सर्विसिंग कहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इससे अच्छा होता है कि हम लीज पर ले लें, जब सर्विसिंग आए तो उसे वापस लौटा दें। तो भारत की यही एक आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉलिसी रही है, और इस पर भारत शायद चले, तो सबमरीन काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। और आपको इस चैनल पर अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ नाम वाला जरूर बताना क्या नाम मुझे चेंज करना चाहिए या इसी नाम के साथ मैं कंटिन्यू करूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के बाद उसको धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं ताकि आपको ऐसा ही कॉन्टेंट मिलता रहे। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो की सब्सक्राइब की शेयर, थैंक यू मच।